मतलब जिसका बाप कुछ नहीं कर पाया उसका बेटा कर देगा क्या? अरे भाई जब तुमको साल के गाय सो नौकरी देना तो साल के गाय सो दे दो ना, बाकी काहे करेगा यहाँ पर 10 आदमी काहे तैयारी करेगा? शादी करेगा, दहेज में गाड़ी लेगा, 20 रुपए का पेट्रोल भराने का पैसा नहीं रहता। जब तुम हमको मारोगे तो हम जरूर तुमको, गांधी जी थोड़ी है हम कि तुम हमको मारोगे हम तुमको छोड़ देंगे। वो गांधी किसी के वाला गया जमाना। पीला गमछा हटा के बात करो ना यार। पीला गमछा से आपको क्या क्या एलर्जी है? एलर्जी है हमको, वोमिटिंग होने लगा। अरे क्या तानाशाही है, हम लोगों को कहने की आदत हो गई महंगाई है महंगाई। अरे महंगाई देखना है तो अपने पड़ोस में जाकर के नेपाल में देखो ना, पाकिस्तान में देखो ना, अफगानिस्तान में देखो ना। कांग्रेस से ज्यादा किसी में संविधान संशोधन हुआ है? देखिए भैया एक सीधा सीधा बात समझिए, यहाँ जनसंख्या विस्फोट हो गया है, 150 करोड़, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता है। अभी तो मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा है, पढ़ोगे लिखो नहीं सोचोगे 1.5 लाख मिल जाए। बिहार में किसी माइक नहीं, बीर योजना बताइए, अभी नौजवान 22 साल में रिटायर हो जाए, मोदी जी को 75 साल में एक और अथी चाहिए, एक और मौका चाहिए। आए मेरे को तो मोदी के अलावा कोई चाहिए नहीं। तो ध्रुव राठी पहचानते हो गए आप लोग, ध्रुव राठी को इतना कंटेंट बनाने देते, तुरंत मरवा देते, चाहे तुरंत स्टेट का तुरंत अरेस्ट करवा देते, आके यहाँ पर आराम से वीडियो बना रहा और मोदी के कितना विरोध में बोलता है। स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव लगभग 90% कंप्लीट हो गया है, बस एक चुनाव और होना बाकी है जो 1 जून को है। मैं यहां की पटना की जनता से जानते हैं कि उन्हें किसकी सरकार चाहिए, यह अनुमान लगा तो भैया आपको क्या लगता है? देखिए यार मेरा अनुमान तो कहता है कि गठबंधन की सरकार होगी। ऐसा क्यों? वो ये है कि यूथ के लिए जो है कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं है, इन सेंस के नौकरियाँ देख लीजिए आप कितना डिक्लाइन आया है ना, और एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, तो उम्मीद है लोगों को कि गठबंधन इसके लिए कुछ करेगा। या आपको यहाँ किसकी सरकार चाहिए, एनडीए की या फिर इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन। क्यों चाहिए? क्योंकि उनका जो भी मुद्दा वो रख रहे हैं वो हमारे भलाई के लिए। मुद्दा उनका क्या क्या है? जैसे नौकरी पे वो बात कर रहे हैं, राशन 5 की जगह 10 kg देने की बात कर रहे हैं। क्या चाहिए, एनडीए की या फिर इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन की। और इंडिया गठबंधन की सरकार क्यों चाहिए? इसलिए कि इंडिया गठबंधन जो है सो गरीबों शोषितों पिछड़ों के बारे में सोचता है और नीतियां बनाता है, और सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है कि त्राही त्राही माम लोग कर रहे हैं। तो यदि तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो यहाँ पर बेरोजगारी भी दूर होगा, महंगाई को भी कंट्रोल किया जाएगा। तो इस हिसाब से हमको इंडिया गवर्नमेंट की सरकार आ जाने से बहुत लाभ होगा। मोदी मीडिया के लोगों का काम है। अच्छा, पीला गमछा हटा के बात करो ना यार। पीला गमछा से आपको क्या क्या एलर्जी है? एलर्जी है हमको, वोमिटिंग होने लगता है। पूछिए नेक्स्ट सवाल। समझ है ना, अकबर के परिवार से रिलेटेड अति का है। किसी के पहनावा पे तो आप नहीं बोल सकते। पहनावा से क्या है जज कर रहे हैं? क्या पूछना चाहते हैं बोलिए। ये तो सही जवाब पूछ रहे हैं कि आपको क्या मतलब है ये पूछ। बिल्कुल मतलब इनका किसी के पास साइड हो जाए। आप जो प्रश्न किए तो अभी कौन सा मंगल राज चल रहा है जो रूडी जी आप स्टेटमेंट दिए हैं कि गोली का जवाब गोली से दो, मार दो गोली, साफ यही बोला गया है। ये बात रूडी जी का बयान आया है, सबको पता है, न्यूज पे भी है। हाँ बालू ढोलाता था वो हो गया। और यही आपका यहाँ मुंगेर लोकसभा में कुमारी अनीता जो है उनका गाड़ी तोड़ दिया गया है, तो वो कौन सा जंगल अभी क्या मंगल राज ये चल रहा है? मुंगेर में वही हुआ, ये छपड़ा में यही हो रहा है, सब जगह तो वही तानाशाही चल रहा है ना। कुछ नहीं, जंगल राज 2013 से पहले थी, अब जंगल राज खत्म हो गई है। नहीं तो आपको हम प्रूफ कर, अभी मंगल राज आ रहा है। हाँ, एक काद गो 2013 के बाद एक भी केसेस बता दो जहाँ दंगा फसाद हुआ, एक भी बता दो। कितना केस आपको पता है? मणिपुर का है, तुम्हारे पास एक ही मणिपुर ही एक मुद्दा है, वो कोई अति नहीं है। वहाँ मणिपुर क्यों छोड़ दिया जाए? 47 से चले आ रहे हैं यार वो। क्या 47 से? जी हाँ 47 से वो चला आ रहा है। क्या चला? देश कब आजाद हुआ था ये पहले बताओ। देश कब आजाद हुआ था? 1947। वो तो सबको 47 बता रहे हैं यार, वो 1947 से ही चला आ जा रहा है वहाँ मणिपुर वाले। अब बात सर विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, मणिपुर अब महंगाई समझ गए ना, बेरोजगारी यही मुद्दा है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। जो देश की जो डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, देश की इकोनॉमी कहाँ से। सुनिए मनमोहन सिंह के जब समझ गए ना, 2013 में मनमोहन सिंह की जो 14-15 मिक्सिंग करने की बात है, मैं बता रहा हूँ 2014 में मोदी जी बोले थे क्या यूनिवर्सिटी जान गए कि दंगा हो गया कहाँ, एक भी बता दो दंगा कहाँ हुई है, कहाँ दंगा हुई है बता दो। छपरा वाला कहे नहीं? हाँ छपरा वही तो बता रहे, छपरा वाला में कौन करवाया बताओ।
अरे रूठी, आप बूथ पे क्यों गई? आप सांसद प्रत्याशी हो, आप दंगा फैलाने की ही गई थे वहाँ के जो दंगा। सुनो यार, रूठी के बारे में क्या है, कैंडिडेट बूथ पे नहीं जाता, आप वोट नहीं डालने गए थे? किस लिए गए थे? आप दंगा फैलाने गए थे? सीधी सी बात है, आप वहाँ पहला जो दंगा हुई है किसके द्वारा हुई है? आरजेडी कर तो द्वारा हुई है। बाद में वो जवाब देगा, जब हम तुम हमको मारोगे तो हम जरूर तुमको, गांधी जी थोड़ी है हम कि तुम हमको मारोगे हम तुमको छोड़ देंगे। वो गांधी जी के वाला गया जमाना, वो यही बात हम बताना चाह रहे हैं कि अभी तानाशाह की सरकार है, तानाशाह की सरकार है। मतलब आप हमको, आप हमें मारो कि अगर तुम हमको मारोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम भी गोली के जवाब गोली देंगे। बीजेपी के कितना कार्यकर्ता को चोट लगा है आपको पता है? साजी से यही बात, आरोडी जो ने बोला था वो बिल्कुल सही बोला था, अगर तुम हमको मारोगे काय नहीं मारेगा भाई। बिल्कुल चाहिए कि आपको यहाँ किसकी सरकार चाहिए? अभी तो गठबंधन की सरकार चाहिए हमको, क्योंकि बहुत सारा अभी प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे रोजगार का है, जितना युवा है सबको दिक्कत हो रहा है, अभी पढ़ाई लिखाई का भी कर रहे हैं। चुनाव में जो है ना चेंजेस ज़रूरी है, किसी को भी पूरा हम दे देंगे सत्ता तो उसमें हम लोग को बेनिफिट कुछ नहीं होने वाला है। विपक्ष भी हम लोग को मजबूत चाहिए ताकि हम लोग का बात को वो उठा सके। विपक्ष मजबूत है? अभी तो नहीं है विपक्ष मजबूत, अब वो कह रहे 400 पार हो जाएगा तो फिर विपक्ष तो और कमजोर हो जाएगा ना। आप प्रधानमंत्री के रूप में किनको देख रहे हैं? प्रधानमंत्री के रूप में अगर सही मायने में मेरा चॉइस तो रहेगा केजरीवाल है, बट लेकिन चांस तो नहीं है कि वो जाएंगे, मतलब कि बन पाएंगे। सरकार बनने वाली है एनडीए की या फिर इंडिया का? चुनाव तो हुआ ही नहीं, आप अनुमान लगा सकते हैं ना? बस बनेगा तो बीजेपी की सरकार ही बनेगी। बीजेपी की सरकार चाहिए आपको? एकदम बिल्कुल चाहिए। अरे क्या तानाशाही है, हम लोगों को कहने की आदत हो गई कि महंगाई है महंगाई। अरे महंगाई देखना है तो अपने पड़ोस में जाकर के नेपाल में देखो ना, पाकिस्तान में देखो ना, अफगानिस्तान में देखो ना। अभी सबसे अच्छा हम लोग है, अभी 50 रुपये में बिहार में हम लोग खाना खा रहे हैं, 50 रुपये में अदर कंट्री में हम लोग खाना नहीं खा पाएंगे, यह कहने की बीमारी है हमें। आप बताइए आपको किसकी सरकार चाहिए, एनडीए फिर इंडिया गठबंधन? देखिए हम लोगों के लिए जो हम लोग जब तक देखे हैं यहाँ पे बिहार का जो स्थिति था आज से 10 साल पहले 15 साल पहले, हम लोग मधुबनी जिला से बिलोंग करते हैं और यहाँ यदि आने के लिए हम लोगों को सुबह चलते थे तो शाम में 5 बजे पहुँचते थे। एनडीए सरकार में मुझे ये लग रहा है जो हम वहाँ मधुबनी से किसी भी शहर से यहाँ पे 3 से 4 घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं, तो यह हम लोगों की उपलब्धि है। और जो एनडीए की सरकार जो है वो जन जन तक हर एक योजना को पहुँचाई है, जो कि अन्य सरकारों में पहुँचाना मुश्किल है। आज तक जो हम लोगों ने देखा था, आज से पहले हम लोग अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक में जाते थे तो कहता था अकाउंट नहीं खुलेगा आपका, क्योंकि आपके पास ये नहीं है वो नहीं है ऐसा है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाते थे। आज एक आधार कार्ड पे ही एक आम व्यक्ति का खाता खोला जा रहा है उसके घर पे जा करके, यह एनडीए सरकार की एक उपलब्धि है। और हम चाहते हैं जो हमारे हम लोगों के यूथ हैं वह एनडीए सरकार, जो कि बिहार में कुछ भी हो लेकिन भारत सरकार ही जो है सो पूरे देश को कंट्रोल करती है, इसीलिए हम लोगों को एनडीए की सरकार चाहिए। उस पर नरेंद्र मोदी का जो कार्य चल रहा है वो बहुत ही बेहतर और सराहनीय है। लोग कह रहे हैं महंगाई तो हम लोग खुद कर रहे हैं, क्योंकि जाओ हमारे पास किसी आज को देखिएगा किसी के घर में जो है सो हर एक घर में 3-4 मोबाइल हैं और हर घर में एक गाड़ी है। शादी करेगा दहेज में गाड़ी लेगा, 20 रुपये का पेट्रोल भराने का पैसा नहीं रहता उसके पास, तो महंगाई क्यों नहीं होगा? तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं जो इस बार एनडीए की सरकार ही बने और एनडीए की सरकार ही बेहतर है। और बिहार का जब इलेक्शन होगा तो हम लोग बिहार के स्तर से सोचेंगे, देश के स्तर से एनडीए सरकार दबाने से सरकार तो नहीं बनेगा, लेकिन सरकार से जो सरकार बनेगी उससे जरूर पूछेंगे कि आप इस मुद्दे पे ध्यान देंगे, अगर नहीं देंगे तो नोटा दबाएंगे। आंटी आप बताइए आपको किसकी सरकार चाहिए? कांग्रेस की। क्यों? क्योंकि बताइए भाजपा के राज में बहुत महंगाई बहुत झेल रहे हैं, मैं आम आदमी जैसे हम लोग जैसे इंसान हैं मीडियम क्लास लोग नहीं जी पाते हैं ऐसे इसमें, इसलिए कि अब उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनका भी देखें कांग्रेस का भी सरकार देखें बनने के बाद। इंडिया गठबंधन जी परिवर्तन होना चाहिए, सरकार का जो है ना परिवर्तन होना चाहिए। अब किसी का जिम्मेवारी नहीं ना है कि एक का चल रहा तो चल रहा हो, इसमें बदलाव होना चाहिए। और आपको क्या क्या बदलाव चाहिए? बदलाव जब नई सरकार आएगी तो सब चीज नई नई चीज लागू होगा। आपको किसकी सरकार चाहिए? मोदी। क्यों? हाँ, क्योंकि 1 लाख देने के लिए हर चीज सस्ता, बताइए अभी कैसे है पेट्रोल सिलेंडर हर चीज महंगा है, क्यों हम लोग क्यों अति वोट करेंगे मोदी सरकार को, क्यों एनडीओ को क्यों वोट देंगे? सैलरी भी तो मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा है, पढ़ोगे लिखो नहीं सोचोगे 1.5 लाख मिल जाए, पढ़ोगे लिखोगे नहीं सोचोगे 1.5 लाख मिल जाए, पढ़ोगे नहीं बढ़वा पढ़ लोगे। 12th का स्पेलिंग बता दो,
स्पेलिंग बताओ ना ट्वेल्थ का, ट्वेल्थ का बताओ ना, हो गया ये ट्वेल्थ का स्पेलिंग है। और तुमको चाहिए 1.5 लाख नौकरी, 1.5 लाख नौकरी चाहिए, निकाल पेपर निकाल, मेरा वैकेंसी तो आ ही रही है। कैसे क्या वैकेंसी का मतलब, रेलवे में 5000 वैकेंसी आ रहा है 5 साल में, मतलब साल के 1100-1500 वैकेंसी में, साल के 1100 ना। राम मंदिर में घंटा बजाने से हो जाएगा, घंटा बजाने से मिल जाएगा नौकरी, घंटा बजाने से हो जाएगा। लेकिन हमको तो राम मंदिर में लगवा दीजिए नौकरी, बिहार में तो कंपनी है ना, गुजरात से आप विलंब करते 26 सीट गुजरात में, बिहार से हम 39 सीट दिए है, हमको बिहार में आप कंपनी दिए नहीं है। तो हमको चलिए राम मंदिर, हम चल रहे हैं बहुत भाई लोग, चलिए लगा दीजिए, घंटा डोलाएंगे लग जाएगा नौकरी, राम मंदिर में लग जाए बताइए। भाई सनातनी है, मानते हैं राम को, हर सबके दिल में है भगवान, सबके घर में है, लेकिन रोजी रोजगार सबके घर में नहीं है। 20,000 का मोबाइल, वही एगो मोबाइल रख ले हैं आदमी, मोबाइल न रख ले, और 2 रुपए का मारा हुए 2 रुपए का रख ले हैं। वीर योजना बताइए, अभी नौजवान 22 साल में रिटायर हो जाए, मोदी जी को 75 साल में एक और अथी चाहिए, एक और मौका चाहिए, आए बताइए। मेरे को तो मोदी के अलावा कोई चाहिए ही नहीं, अगला प्रधानमंत्री जो बने ना वो योगी बने, बाकी ये ऐसे प्रधानमंत्री नीचे जो अपना जेब भरने में लगे रहते हैं। कह रहे ना लाभ, जिसका बाप कुछ नहीं कर पाया उसका बेटा कर देगा क्या? बदला हुआ, बहुत बदला हुआ है, बहुत अच्छा बदला हुआ है। कल हमारा सैनिक पीटते थे, आज हमारा सैनिक क्यों नहीं पीट रहे? हमारा सैनिक आज क्यों नहीं पीट रहे हैं? पहले तो पीटते थे ना, क्यों पीट रहे हैं? कोई तो कारण हुआ, कोई तो चेंजिंग आया है। आज नौजवानों को कुछ नहीं चाहिए, हमें मौका चाहिए भ्रष्टाचारी सरकार बनाने का और बिहार को और गर्त में डुबाने का। मोदी जी बिल्कुल तानाशाह हैं, तानाशाह अगर रहते तो ध्रुव राठी पहचानते होंगे आप लोग, ध्रुव राठी को इतना कंटेंट बनाने देते, तुरंत मरवा देते, चाहे तुरंत स्टेट का तुरंत अरेस्ट करवा देते। उस साला आके यहाँ पर आराम से वीडियो बना रहा है और मोदी के कितना विरोध में बोलता है, अगर तानाशाह रहते तो तुरंत अरेस्ट कर, राहुल गांधी को इतना बोले देते तुरंत अरेस्ट करवा देते, डायरेक्ट एक सत्ता होता, रूस रशिया नियन होता, डायरेक्ट पुतिन राज करता, पुतिन राज कर रहे हैं 2029 तक, वैसे मोदी जी करते। लेकिन यहाँ संविधान से चला जाता है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है मोदी जी, हो सके लेकिन ऐसा मोदी जी बिल्कुल नहीं करेंगे, संविधान का पालन करेंगे और सबको बराबर अधिकार। विपक्ष का कहना है कि मोदी आएंगे तो संविधान, बिल्कुल नहीं है ऐसा, बिल्कुल नहीं है। संविधान, संविधान बदलना क्या होता है, संविधान में संशोधन, अरे कांग्रेस से ज्यादा किसी में संविधान संशोधन हुआ है, गांधी से ज्यादा कोई संशोधन किया संविधान में, संविधान कांग्रेस से पहले बदला है, अब बोल रहे हैं मोदी जी बदल देंगे, मोदी ऐसा संविधान बिल्कुल नहीं बदला जाएगा, एकाध दो संशोधन किए जाएंगे, एकाध दो नियम लाए जाएंगे, ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का अधिकार को छीन लिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। किसकी सरकार आपको चाहिए? अब की बार नहीं सहेंगे महंगाई के मारे, अब भारत से बीजेपी पार, एकदम राहुल का वो मैंने प्रधानमंत्री राहुल, अब बिहार में तेजस्वी यादव, कौन इस सरकार में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का, ठीक है ना, हम लोग पढ़े लिखे नौजवान समस्या है बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं, क्योंकि चाहे पूरे देश के जो हमारे जितने भी बेरोजगार हैं, सबसे बड़ा मार अगर पड़ा है इस सरकारों में तो बेरोजगार जो हम लोग पढ़ने वाले छात्र हमको पड़ा है, ठीक ना। अग्निवीर हमारे भाई जो केवल 4 साल नौकरी करेंगे, बिहार में अभी शिक्षक भर्ती चल रही है, 5 अटेम्प्ट है, 5 अटेम्प्ट के बाद कहाँ जाएंगे लोग? नेता 10 बार चुनाव लड़े, 20 बार चुनाव लड़े, उनकी भी तो बाध्यता बननी चाहिए। देखिए देखिए भैया, एक सीधा सीधा बात समझिए, यहाँ जनसंख्या विस्फोट हो गया है, 150 करोड़, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता है। तो आप सुन रहे थे यहाँ की जनता को, वो किसके साथ है, तो आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।